हमारे बीच इस वक्त शाजी जी मौजूद हैं। इस बार अगर देखा जाए पहली मर्तबा जो है कि अगर बात की जाए गुरपुर की खड़े करवाड़ा की दौलत मांग रही है अमन खलूस भाईचारे पीसीएल हो गया पीपीएल टूर्नामेंट्स हो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं एक अच्छा टैलेंट है हमारा ये पुछ डिस्ट्रिक्ट है वहां से एक खिलाड़ी है जिसके ऑनर है परवेज अहमद अफरीदी जो कि खुद करता है दूसरा ओवर का खेल जारी 13 रन के ऊपर जितनी भी टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं रोल एम्पायर को प्रयास किया अच्छी गेंद हल्की सी बाउंस हुई वो गेंद देखो वाले से बताता चलूं कि सीमा के अन करीब जो हमारे खिलाड़ी जिनको कहीं और सिटी में जाके मौका नहीं मिलता खेलने का तो इंडिया आर्मी का एक प्रयास है यहाँ पे इनको इस यूथ को यहाँ पे मौका मिल रहा है। तो खास करके मैं कह सकता हूँ कि जो क्रॉस फायरिंग बॉर्डर फायरिंग थी उसके विराम के बाद एक मौका यहाँ पे आर्मी अथॉरिटी जो कर रही है जो खासकर हमारे यूथ हैं उनकी एनर्जी है जो उसे पॉजिटिव वे में चैलेंज करने का प्रयास यहाँ पे कर रही है। तो 11 टीमें जो इसी एरिया की पंचायत की हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं तो मैं कह सकता हूँ एक सराहना यहाँ पे करनी होगी इंडिया आर्मी की जो कि इस तरीके से यूथ को प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट जब से हमने ये सुना कि हमारे बच्चों ने ये जो हमारे बॉर्डर के लोग बच्चे हैं जो यूथ हैं उन्होंने सुना कि यहाँ पर एक इंडियन आर्मी की तरफ से जो टूर्नामेंट है तो यकीन माने कि इतनी खुशी थी कि जैसे कि हमारी कल ईद है हमें ऐसा लग रहा था क्योंकि पिछले एक हफ्ते से ये जो हमारा ये जो ग्राउंड है इसकी मेंटेनेंस जो है इंडियन आर्मी करवा रही है। मैं पूरे इलाके की तरफ से पूरे यूथ की तरफ से मैं दुर्गा बटालियन को मुबारक देता हूँ उनके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं जो ब्रिगेड कमांडर साहब हैं उनको भी मुबारक देता हूँ और मैं पूरी इंडियन आर्मी को मुबारक देता हूँ। टूर्नामेंट होने से बहुत ही फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि ये बॉर्डर इलाका है आप हमेशा देखते रहे ये सिराद इलाका है इसमें आर्मी और सिविल का आपस में इतना प्यार है कि जिसका कोई हद शुमार नहीं है। बहरहाल दोनों तरफ से प्यार है आर्मी का भी प्यार सिविल का भी प्यार। ये टूर्नामेंट से लोग बच्चों के दिल बढ़ते हैं और गुल मिल जाते हैं। जो आजकल की फिजा चल रहा है कि ये फलाना उसको ये एक बात ख़त्म कर दे। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ अपनी इंडियन आर्मी का सरला बटालियन का ये हमारी बिल्कुल सीमा से सटा हुआ एरिया है तो इस किस्म का टूर्नामेंट ये पहली बार यहाँ पे हो रहा है तो इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ अपना सरला बटालियन को और इनकी पूरी टीम को जो ये टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवा रही है। है बिल्कुल एक्सट्रीम बॉर्डर पर एलओसी पर जो है टूर्नामेंट करवाया जा रहा है 11 टीमें जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये 11 टीमें में पूरे टोटल जो है बॉर्डर इलाके की हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट करवाया जा रहा है और ये एक अच्छा साइन है कि यूथ का तालमेल और इंडियन आर्मी ने बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाए हैं बड़े अच्छे प्रोग्राम्स करवा रही है और